हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और हैप्पी नवरात्रि। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल थाली। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हैप्पी नवरात्रि माय यूट्यूब चैनल फैमिली। तो लीजिए, हमने तैयार कर लिया है नवरात्रि स्पेशल थाली, जो कि बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक है। ये सारी रेसिपी बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाती है और इसे बना के आप माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं और खुद भी अगर आप फास्टिंग में हैं तो इसे आप खा सकते हैं। तो चलिए आप फटाफट से बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू का हलवा बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। आलू, बादाम, काजू, इलायची, किशमिश, चीनी, घी। आलू को हमने बॉयल करके और इसका छिलका निकाल लिया है। बादाम, काजू, किशमिश को हमने काट के रख लिया है और इलायची को हमने क्रश कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक पैन को चढ़ा लिया है। पैन अब हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें घी को डाल देते हैं। जब तक घी हमारा मेल्ट हो रहा है तब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। आलू को छोटा छोटा टुकड़ा काट के और इसे अब हम बिल्कुल बारीक मैश कर लेते हैं। इसमें हमें गांठ गुठली कुछ भी नहीं चाहिए, इसे हमें बिल्कुल मैश करना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। देखिए, हमने आलू को मैश करके तैयार कर लिया है, बिल्कुल बारीक इसे हमने मैश करके तैयार कर लिया है। अब हमारा घी भी मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें सबसे पहले इलायची को डाल देते हैं। अभी हम इसमें काजू, बादाम और किशमिश इन सभी को डाल के और अच्छे से हम इसे पहले भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट को भूनने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए हम ड्राई फ्रूट को पहले इसमें भून लेते हैं। तो देखिए, ये सारा कुछ हमारा भून चुका है तो अब हम इसी में आलू को डाल देते हैं। सारे आलू को हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करते हुए और भूनेंगे। आलू को हमें इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है और लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है। देखिए, हम आलू को अच्छी तरह से सारे ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लिए हैं और इसे अब हम भून लेते हैं। आलू जब हमारा भून जाएगा तो इसके चारों तरफ से इसमें घी निकलने लगता है। तो देखिए, आलू को हम अच्छी तरह से चलाते हुए और भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। देखिए, हमारा जो आलू है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये गोल्डन कलर का हो गया है। तो मतलब हमारा जो आलू है वो अब भून चुका है। आलू भूनने के बाद इसमें से बहुत अच्छा खुशबू आता है। देखिए, आलू अब भून चुका है तो अब हम इसमें चीनी को ऐड कर देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा गीला हो जाता है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसे हमें लगातार चलाते रहना है। देखिए, अभी चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। चीनी हमारा मेल्ट हो चुका है, अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भूनना है। इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। चीनी जो पिघला था उसमें से जो पानी निकला था वो भी अभी सूख चुका है। तो अब हमारा जो आलू का हलवा है वो अब तैयार हो चुका है, तो हमने ऑफ कर दिया है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। देखिए, हमने इसे सर्व कर लिया है। तो हमारा आलू का हलवा अब तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारा साबूदाना पोहा। तो देखिए, साबूदाना पोहा बनाने के लिए हमने यहाँ पे साबूदाना को लिया है, जिसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिंगो लिया है। 3 से 4 घंटे के बाद देखिए हमारा जो साबूदाना है वो कितना अच्छा फूला हुआ है। हरी मिर्ची, जीरा, काली मिर्ची पाउडर, आलू, कढ़ी पत्ता, घी, मूंगफली, नींबू। आलू को हमने बॉयल करके और इसका छिलका निकाल लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम सबसे पहले मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मूंगफली रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे घी का यूज नहीं किया है, क्योंकि इसे हमें भूनने के बाद इसका छिलका निकालना है। तो बिना कुछ डाले ही हम सबसे पहले मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमारा मूंगफली रोस्ट हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो मूंगफली को हमने निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद हम इसका छिलका निकाल लेंगे। देखिए, हमने इसका छिलका निकाल लिया है और थोड़ा सा हम छिलका नहीं निकाले हैं, वैसे ही रखे हैं छिलका के साथ ही। तो जिसका हम छिलका निकाले हैं उसे हम एक जार में लेंगे और इसका एक हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है।
तो वापस से हम गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम घी को डाल दिए हैं। अभी हम इसमें जीरा को डाल देते हैं, करी पत्ता और हरी मिर्ची। तो देखिए इन सभी को हम अच्छी तरह से पहले भून लेंगे। तो ये सारा कुछ हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें साबूदाना को डाल देते हैं। आलू, आलू को हमने पीसेस में कट कर लिया है। काली मिर्ची पाउडर और इन सभी को हम मिक्स करके और भूनेंगे। व्रत में साबूदाना पोहा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप व्रत वाला नमक खाते हैं तो आप व्रत में नमक का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बिना नमक के ही इसे बना रहे हैं। तो देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट हो चुका है तो हम इसे कवर हटा के देख लेते हैं। देखिए अब हम इसे चला के और फिर से मिक्स करके अब हम इसे बिना कवर किए ही पकाएंगे। साबूदाना पोहा हमारा बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। व्रत में ये बहुत अच्छा होता है। अभी हम इसमें मूंगफली जो पीस के रखे थे, पाउडर बनाए थे, उसे डाल देते हैं। मूंगफली पाउडर डालने से क्या होता है कि ये चिपचिपा नहीं बनता है, बिल्कुल खिला खिला बनता है। और साबुत मूंगफली भी हमने जो रोस्ट किया था उसे भी डाल के हम इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ देते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए हमने इसमें नींबू का रस भी डाल दिया और अब हम वापस से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा साबूदाना पोहा बनके तैयार हो चुका है। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है, हमारा साबूदाना पोहा तैयार है। व्रत में साबूदाना पोहा बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसे आप जरूर बनाएं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारा जीरा आलू। तो जीरा आलू बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है: आलू, हरी मिर्ची, नींबू, कढ़ी पत्ता, जीरा, ब्लैक पेपर, घी। आलू को हमने बॉयल करके और इसका छिलका निकाल लिया है। तो अब हम सबसे पहले आलू को पीसेस में कट करेंगे। तो एक आलू लेंगे और इसे बीच से हम काट लेंगे और फिर अब हम इसे 4 भाग में कर लेंगे एक आलू को, और इसके छोटे छोटे पीसेस हम काट के तैयार कर लेते हैं। देखिए इसी तरीके से हम सारे आलू को काट के तैयार कर लेते हैं। हमने सारे आलू को काट के तैयार कर लिया है तो अब हम एक पैन को चढ़ा दिए हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें घी को डाल देते हैं। घी भी हमारा मेल्ट हो चुका है तो इसमें हमने जीरा को डाल दिया, कढ़ी पत्ता, हरी मिर्ची, इन सभी को हम भून लेंगे। देखिए ये सारा कुछ हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें ब्लैक पेपर को डाल देते हैं। अभी हम इसमें आलू को डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। प्लास्टिक में आप जीरा आलू बना के चाय के साथ बहुत ही मजे के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें व्रत वाला नमक खाते हैं तो आप इसके साथ व्रत वाला नमक भी इसमें डाल सकते हैं। फास्टिंग में आलू खाने से बहुत ही एनर्जी मिलता है, आलू से हमारा पेट भरा भरा हुआ रहता है। तो इसे आप नवरात्रि में जरूर बनाएं और इसे आप एक बार ट्राई करके खा के देखें कि कैसा लगता है। तो देखिए हमारा आलू हो चुका है तो इसमें अब हम नींबू का रस डाल दिए हैं और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा जीरा आलू अब तैयार है, इसको हमने ऑफ कर दिया है और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। हमने आलू को सर्व कर लिया है। तो देखिए हमारा जीरा आलू तैयार है। तो आप नवरात्रि में जीरा आलू को जरूर ट्राई करें और इसके ऊपर अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी हमारा लौकी का खीर। लौकी का खीर बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी, दूध, चीनी, घी, इलायची, किशमिश, काजू, बादाम। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे। लौकी के ऊपर जो छिलका है इसे हम छील के तैयार कर लेते हैं। लौकी हमें बिना बीज वाला चाहिए और बिल्कुल ताजी। लौकी का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो लौकी को हमने छील लिया है, छीलने के बाद हमने इसे धो के तैयार कर लिया है और अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। हमें इसे मीडियम साइज से हमें इसे कद्दूकस करना है। तो देखिए सारे लौकी को हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है और अब हमारा पैन गर्म हो चुका है तो इसमें हम घी को डाल देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो हम इसमें लौकी को डाल देते हैं। लौकी को हम मिक्स कर लेंगे और लौकी को अब हम भून लेते हैं। लौकी को हमें इसका कलर चेंज होने तक इसे हमें भूनना है और लौकी में जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसे हमें सुखा देना है। तो देखिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम भून लेंगे।
में आप लौकी का खीर, लौकी का हलवा, लौकी का बर्फी बना के आप खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप लौकी के खीर को जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और आपके घर में कोई भी पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये लौकी का खीर है। तो देखिए, इसे हम मिक्स करते हुए भून रहे हैं। अभी लौकी में से बहुत ही एक्स्ट्रा पानी निकलता है, तो देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और पानी भी थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक थोड़ा सा लौकी सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमने इसे कवर कर दिया है ताकि लौकी हमारा जल्दी पक के तैयार हो जाए। तो देखिए, अभी हमारा लौकी जो है वो भून चुका है, इसका बहुत कलर चेंज हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। इसे हम मैश कर रहे हैं तो ये आसानी से मैश भी हो रहा है। तो अब हम इसमें दूध को डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे। दूध डालने के बाद इसे हमें लौकी में अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे हमें पकाना है। अभी लौकी अच्छी तरह से पका नहीं है, तो इसे दूध डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो देखिए, लौकी और दूध मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे कवर कर देते हैं ताकि लौकी हमारा अच्छे से पक जाए। तो देखिए, अब हम कवर हटा दिए हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे पहले अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये खीर बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसमें इलायची को डाल देते हैं और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब हम लौकी को उठा के और इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये आसानी से पिस रहा है। तो लौकी अब हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे वापस से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें चीनी को डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं चीनी को। तो देखिए, खीर में हमने चीनी को भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब हम इसमें बादाम को डाल देते हैं, काजू, किशमिश, इन सभी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे खीर के साथ। तो देखिए, इसे भी हमने मिक्स कर लिया है। तो अभी हमारा जो खीर है वो अब बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर दिए हैं और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, खीर को हमने सर्व कर लिया है। ये खीर बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, तो इसे आप जरूर ट्राई करें। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारा सामक पूड़ी। सामक पूड़ी बनाने के लिए हमें सामक के चावल लिया है, काली मिर्च और जीरा। चावल को हमने 2 से 3 घंटा के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसके पानी को निकाल लेते हैं और इसे अब हम पीस के तैयार कर लेते हैं। जार में हमने चावल को डाल दिया और अब हम इसका पेस्ट तैयार करते हैं। देखिए, हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, इसका हम बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार किए हैं। तो अब हम गैस पे एक पैन को चढ़ा दिए हैं। पैन अब हमारा गर्म हो चुका है, तो हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देते हैं और इसे हमें भूनना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए। इसे हमें लगातार चलाते हुए और इसे हम भूनेंगे। देखिए, इसका पानी सूख चुका है, ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। यह अब अच्छी तरह से भून चुका है, ये नीचे बहुत चिपकता है, तो इसे हम चलाते हुए भून लिए हैं। देखिए, निकालने के बाद इसे हमने ठंडा कर लिया है और अब हम इसे हाथ से मैश करेंगे। अब हम इसमें जीरा को डाल देते हैं और काली मिर्च पाउडर को और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक हमें डो तैयार करना है। देखिए, इसे हम हाथ से अच्छे से मस लेंगे और इसे अब हम एक डो की तरह तैयार करेंगे। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, देखिए हमने इसका एक डो तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसके छोटे छोटे लोई को तोड़ के तैयार कर लेते हैं। जितना बड़ा आपको पूरी चाहिए उतना बड़ा आप इसके लोई को तोड़ सकते हैं। तो सारे लोई को हमने तोड़ के तैयार कर लिया है और अब हम इसके पेरे पेरे जैसे बना लेते हैं, गोल गोल घुमाते हुए, और हथेलियों से हम इसे दबा के इसका हम अच्छे से लोई तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने तैयार कर लिया है और अब हम लेंगे एक प्लास्टिक सीट और इसमें हम घी लगा लेंगे। इसमें आप घी, तेल कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इसे हम घी लगा दिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से पॉलीथीन पे फैला देंगे।
फैलाने के बाद एक पेरा लेंगे हम, जो हमने तैयार किया है, और इसे हम हथेलियों से हल्का हल्का दबा देंगे, और दूसरा हम इसके ऊपर पॉलीथीन सीट को डाल के और हल्का हल्का हम इसे बेलन से चला देंगे। ज़्यादा पतला हमें पूरी नहीं बेलना है, नहीं तो फूलेगा नहीं। हल्का हल्का इसे हमें मोटा ही रखना है। चारों तरफ से घुमाते हुए हम पूरी को बेल लेंगे। देखिए, हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। इस तरीके का हमें पूरी तैयार करना है। तो चलिए दूसरा पूरी भी हम तैयार कर लेते हैं पॉलीथीन पे डाल के, और दूसरा पॉलीथीन सीट इसके ऊपर डालेंगे और हल्का हल्का हम बेलन इसके ऊपर चला लेंगे। चारों तरफ घुमाते हुए हम पूरी को बेल लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से हमें सारे पूरी को तैयार करना है, और इसका थिकनेस जो है इतना ही रखना है। तो चलिए, सारे पूरी को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से हमने सारी पूरी को तैयार कर लिया है, और अब हम गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। अब हम इसमें घी को डाल देते हैं। आप घी या तेल किसी में भी पूरी को तल के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम घी को चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा लोई डाला तो ये तुरंत ऊपर आ गया, मतलब हमारा जो तेल है वो परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पूरी को डाल देते हैं, और इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे हम दबा दबा के इसे हम घुमाएंगे। ये अपने आप से पूरी हमारी फूल जाती है। तो देखिए, ये फूल चुकी है, तो इसे हम पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा पूरी तैयार हुआ है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, ये हमारी पूरी जो तैयार हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। दूसरा पूरी भी हम इसी तरीके से डाल दिए हैं। पूरी जो है वो आसानी से फूल फूल के तैयार हो जाती है। बहुत ही फूली फूली हमारी सामक की पूरी तैयार होती है। ये नवरात्रि में आप बना के इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी हमारी पूरी बन के तैयार होती है। तो देखिए, हमने इस पूरी को भी फ्राई करके निकाल लिया है। सेम प्रोसेस से हम सारे पूरी को तल के निकाल लेंगे। देखिए, ये पूरी भी हमारी हो चुकी है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। सारे पूरी को हमने बना के तैयार कर लिया है, और ये बहुत ही फूली फूली हमारी पूरी तैयार हुई है। देखिए, सामा की कचौरी हमारी तैयार है। तो सारा रेसिपी हमने तैयार कर लिया है। देखिए, हमारी नवरात्रि स्पेशल थाली तैयार हो चुकी है। तो आप इस नवरात्रि पे ये रेसिपी बनाइए और इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। ये बहुत ही टेस्टी सारी रेसिपी है, और ये खाने के बाद बहुत ही एनर्जी हमें महसूस होता है। तो इसे आप माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा नवरात्रि स्पेशल थाली रेसिपी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।